नर्मदा शहर सह प्रायोजक यसा का लिक्विड आयुर्वेदिक वॉशर। सारा प्रणाम, सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में आज हम एक ऐसे विषय पर ले आए हैं आपको जिसकी शुरुआत होनी है अभी 16 नवंबर को। छठ पूजा होगी 16 नवंबर को, लेकिन उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सुगबुगाहट शुरू होने का कारण है कि मामला कोर्ट में गया था शोर शराबे को लेकर। यहाँ के निवासियों ने, यहाँ की संस्थाओं ने इस पर कई दिनों से इस पर पिटीशन दाखिल की गई थी। जिस तरह से इसका छठ पूजा का एक बृहद रूप दिया गया, लाखों लोग आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कहाँ शोर शराबा होता है, क्यों होता है, कोर्ट की किस तरह से अवहेलना होती है, उसे लेकर यहाँ के निवासियों ने चिंता जताई। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट का दूसरा पक्ष था, उसमें भी उन्होंने अपने पक्ष को रखा है, कुछ उनकी भी मांगे हैं वो मांगी जाए, इस तरह की बातें हुई हैं। अभी पिछले दिनों कोर्ट के आदेश पर एक विजिट की गई सरकारी तंत्र, उसमें कलेक्टर के लोग, पुलिस के लोग और अन्य लोग, उस पर हमारे साथ में बात करने के लिए कई लोग हैं, जिसमें अंजनी जी हैं जिन्होंने पूरी कोर्ट की प्रक्रिया को देखा है, संजय निरुपम जी के बिहारी फ्रंट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, विश्वनाथ जी हैं जो पिटिशनर हैं वो हमारे साथ हैं, जो सबसे पहले बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा के आयोजन की जो जिम्मेदारी संभाली जाती थी, मोहन मिश्रा जी सबसे पुराने जो यहाँ पर मंच लगते थे उसके, मोहन मिश्रा जी हमारे साथ हैं जिन्होंने ग्लैमराइज किया, जिन्होंने उसको बृहद रूप दिया। संजय निरुपम जी के हमने बताया प्रतिनिधि के रूप में, अश्विनी जी हैं और पिछले कुछ सालों से आयोजन करके एक धमाकेदार शुरुआत करने वाले सुभाष पासी जी भी हमारे साथ हैं। इन्हीं प्रतिनिधियों के बीच इनके साथ हम बात करेंगे कि छठ पूजा जो 16 नवंबर को होने वाली है, पहले तो हम बात कर लेते हैं अंजनी जी से। अंजनी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना शहर में आए हैं। अंजनी जी, उस दिन मामला बहुत पुराना है, पिटीशन विश्वनाथ जी और इनके लोगों ने डाल रखी है, बहुत पुरानी है, 204 वाले इस पर शायद हुआ है कोर्ट पर, और आप थे कोर्ट में उस दिन, भले ही संजय जी के बिहारी फ्रंट की तरफ से आप रहे हो, लेकिन पूरा मामला क्या है थोड़ा संक्षिप्त बताएंगे। जी देखिए, 5 सितंबर को इसका आर्गुमेंट था, 5 सितंबर को माननीय न्यायालय ने एक सोल्यूशन निकालने के लिए, चूंकि पिटिशनर ने कंटेम्प पिटीशन दाखिल किया है, माडा जी ने कंटेम्प पिटीशन दाखिल किया है संजय निरुपम जी पे, सुभाष पासी जी पे, तो उस समय सारी डिस्कशन आर्गुमेंट के बाद माननीय न्यायाधीश ने ये देखा कि इसका एक कंसेंसस, एक कॉमन फॉर्मूला निकलना चाहिए जिससे कि पूजा भी हो जाए, आम जनता को कोई नुकसान भी ना हो, इन लोग को, रहवासियों को भी कोई नुकसान ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की प्रॉब्लम ना हो, और आराम से पूजा का ये मामला जो है अच्छे से चलता रहे। इस आधार पर जज साहब ने ये आदेश दिया है सभी पार्टियों को, जो भी कंसर्न थे, जैसे माडा जी हम हैं संजय निरुपम जी के लिए, संजय निरुपम जी, पासी जी, सबको बोला, जितने भी पिटिशनर हैं, जितने भी इस तरह के ट्रस्ट हैं, वो लोग बैठ के एक जगह, दो दो जगह का प्रपोजल दें, बताएं कि कहां पर आराम से पूजा हो सकती है जिसके लिए इन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में 5 सितंबर के ऑर्डर के कारण हम सारे लोग शनिवार को यहां पर उपस्थित हुए थे, और शनिवार को कलेक्टर मुंबई के और उसके साथ साथ वार्ड ऑफिसर, डीसीपी को आना था, उन्होंने किसी एसीपी को भेजा था, मैं खुद संजय निरुपम जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, सुभाष पासी जी थे और काफी लोकल लोग थे, ये लोग भी थे, पिटिशनर लोग थे, सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे जुहू का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया और लगभग दो दो प्लॉट हम लोगों ने बताया और उसका प्रपोजल हम लोग देने वाले हैं कोर्ट में। प्रपोजल कोर्ट में जाएगा। विश्वनाथ जी, ये क्या मामला है, आप अपनी बात रखें जरा। देखिए, हम तो ये छठ पूजा गले अगेंस्ट नहीं है, हमको भी ये छठ पूजा होने, लेकिन छठ पूजा का जैसा होने का, ये इसका पॉलिटिकल तमाशा नहीं होने का, ये अपना हमारा क्या आज क्या हो गया, ये पहला ऐसा छोटा छोटा था, इसको बड़ा बड़ा करके आज तो पॉलिटिकल टर्न दिया इसको, इसमें क्या हो गया, आज तो आप वो दिन आ जाइए, लाखों आदमी लोग इधर आके, सिटीजन लोग का सब इतना काम किया, उसको सब डिस्ट्रॉय करके जा जाते हैं, वो उसके लिए कोई ये अपना ये प्रेयर करता है उसका मिस्टेक नहीं है, ये पॉलिटिकल के 100 लास्ट ईयर के, हम तो इसके लिए अगेंस्ट नहीं है। वो बड़ा हॉल किया, बड़ा तमाशा लगाया, बड़ा बड़ा रेडियो लगाया, बड़ा ये सब लगाने की जरूरत नहीं, पूजा करने का क्या, आपको हमको सबको आदेश राइट है, ये हमारा राइट है पूजा करने का, पूजा का दरअसल ऐसा होने का, वो उसको तो कोर्ट का आदेश था 10 फुट का भाई 10 फुट का था, वो उसको ये लोग 16 फुट का बनाया, इसके लिए अपना ऑब्जेक्शन, क्योंकि अभी हमारा क्या आदेश है, कोर्ट का आदेश का जैसे कितना होता है उतना आप कर दीजिए, हम आपका साथ है।
पिछली बार खास करके संजय निरुपम जी और सुभाष पासी जी के मंच को लेकर जो कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हुआ है, इन दो लोगों पे अंजनी जी इस पर बता रहे थे। हम आपको दृश्य दिखाते हैं किस तरह से विजिट की गई। हमारे संवाददाता अलीम शेख की रिपोर्ट दिखा लेते हैं उस दिन की विजिट की, और फिर बात करते हैं, मोहन जी हमारे साथ में, सुभाष जी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। लेकिन हम अलीम शेख की रिपोर्ट देख लेते हैं, जिस दिन ये विजिट हुई थी और सरकारी तंत्र ने जो विजिट की थी कोर्ट के आदेश के बाद, उसके बाद फिर लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर अभी जारी है। इस साल जुहू तट पर छठ पूजा कहां कहां होगी, इसको लेकर सरकारी अधिकारियों ने घाट का मुआयना किया। पूजा कहां होगी, ये फैसला मुआयने की रिपोर्ट पर अदालत करेगी। जो कंटेंप्ट प्रोसीडिंग फाइल हुई है उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कलेक्टर को, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को और पिटिशनर को, जो यहाँ के जू एसोसिएशन के रहवासी लोग हैं, कि आप लोग मिलजुल कर एक ऐसा प्लॉट फाइनलाइज कीजिए, दो दो ऐसे प्लॉट फाइनलाइज कीजिए, प्रपोज कीजिए, जिस पर कि छठ पूजा के ऑर्गेनाइजर जैसे संजय निरुपम जी और लोग, इस तरह के लोग वहां पर छठ पूजा का स्टेज बना सकें, स्टेज का निर्माण कर सकें। घाट का मुआयना कर रही टीम को उत्तर भारतीय विकास समिति के सदस्यों ने भी अपनी जगह दिखाई। कंटेनर हैं उन लोगों की फाइंड आउट करिए आप, क्योंकि कोर्ट को ये लग रहा है कि पब्लिक को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ऐसा चीज ये यहाँ अराइज हो रही है, तो इसलिए ऑनरेबल जस्टिस ने डायरेक्शन दिया है कि आप पहले फाइंड आउट करिए कहाँ कहाँ आपको प्लेस बनाने। जुहू पर इस साल छठ पूजा में पंडाल कहाँ और किस जगह लगेंगे, इसका फैसला मुंबई कोर्ट 12 सितंबर को करेगी। गौरतलब है कि जुहू पर छठ पूजा को लेकर एक एनजीओ ने पिछले साल अदालत में याचिका दायर की थी। उसी याचिका के आधार पर पूजा से पहले जगह तय करने के लिए सरकारी कार्रवाई की जा रही है। अलीम शेख, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। आम दिनों में शांत रहने वाला ये जुहू बीच, जहां पर सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, नौजवान जोड़े आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, वो छठ मैया के पूजा के दिन लाखों लोगों से भर जाता है। उसका श्रेय बहुत कुछ, जिस तरह से उसको ग्लैमराइज किया गया, उसे बहुत बृहद रूप दिया गया, छठ के पूजा का महत्व लोगों तक पहुंचा, बहुत उसमें एक दर्द है लोगों को कि उसमें थोड़ा सा अलग रूप दे दिया गया है। उस बृहद रूप में कहीं ना कहीं छठ मैया की पूजा एक तरफ हो जाती है और मनोरंजन के जो कार्यक्रम हैं वो ज़्यादा महत्व पाते हैं, लेकिन पर्व तो वही होता है छठ मैया की पूजा का, यानी छठ का पर्व होता है जिसमें अर्घ दिए जाते हैं। सूर्यास्त में एक पात्र एक ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य के उदय का नहीं बल्कि सूर्यास्त के समय पूजा होती है, पूरी रात पूजा जलती है और दूसरे दिन सूर्योदय तक ये पूजा चलती है और तो उसके बाद में ही व्रत तोड़ा जाता है। मोहन जी, जब शुरुआत हुई होगी और आप लोगों ने यहाँ पर, पहला श्रेय आप ही लोगों को जाता है, यहाँ पर आप लोग मंच और मंडप लगाया करते थे, उन दिनों में कब था ये, आपने शुरुआत की थी इसकी? ये 14 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। 14 साल में क्या बदला है, क्या देख रहे हैं आप? 14 साल में ऐसा है, लोगों की जो यहाँ से बिहार की जो संख्या बढ़ी मुंबई में, उस तरह से सभी लोग चाहे, जो कि वहाँ जाना बहुत कठिन होता है बिहार जाना, इसलिए यहीं पर पूजा करना पवित्र स्थल पर उन्होंने चुना। पूरे मुंबई के लोग यहाँ आते थे, पूरा थाना से, सब जगह से, इनकी संख्या बढ़ती गई और इस पूजा का अस्मिता भी ऐसा है कि उसमें लोग नाच गान तमाशा के साथ में, क्योंकि 24 घंटे का लगभग पूजा होता है, 3 दिन पहले से शुरुआत होती है, तो इसका उत्सव की तरीके से होता है, इसमें थोड़ा सा नाच गान होना ये स्वाभाविक है क्योंकि पूरे परिवार के साथ में आते हैं। और एक दिन के लिए मैं ये कहता हूँ कि बॉम्बे वासी को, जो जिसको भी तकलीफ होता है, एक दिन के लिए बिहार वासी के लिए छठ पूजा और सूर्य की आराधना के लिए थोड़ी सी छूट देनी चाहिए और थोड़ी सी सह लेनी चाहिए तकलीफ। और कोर्ट, माननीय कोर्ट के आदेश से हम लोगों ने पिछले साल जितना ही उन्होंने आदेश दिया था उसी प्रकार हमने किया भी था, इसीलिए कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का नहीं हुआ ना आप जी, तो इसलिए जो है सो मानना चाहिए उनके आदेश, कोर्ट, माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार मानना चाहिए। लेकिन जो मतलब आपको ये लगता है कि अगर छठ पूजा का आयोजन होता है उसमें थोड़ा बहुत अगर जिस तरह के नृत्य होते हैं, उस कार्यक्रम होते हैं, वो हो सकते हैं एक दिन के लिए बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है? विश्वनाथ जी इसमें है, विश्वनाथ जी से भी हम पक्ष रखेंगे। सुभाष जी, अश्विनी जी ने तो बहुत कुछ बताया, इसको एक रूप दिया था संजय जी ने, जैसा कि मोहन मिश्रा जी वगैरह इसमें कार्यक्रम मंडप लगाते थे, लोग आते थे कपड़े बदलने के लिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत भजन होते थे, ये होते थे, एक बड़ा रूप दिया संजय जी ने, उसमें एक
धमाकेदार एंट्री आपने दो साल पहले की, क्रेन वगैरह लगाया है, ये वो शोर शराबा सब कुछ, जिससे और लोगों को शायद, तो ये संवाद की स्थिति बन पाई थी क्या पिछली बार? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीज का सामना आपको करना पड़ रहा है, कोर्ट की विजिट हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये छठ पूजा सूर्य भगवान की पूजा है और इस छठ पूजा को डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। हमारी माताएं बहनें 3 बजे यहाँ पे आती हैं, 3 बजे से लेकर शाम तक तैयारियां करती हैं। उसके बाद जैसे सूरज डूबते हैं पानी में, कमर भर पानी में जाकर के उनको वो अर्घ देती हैं। उसके बाद जब सूर्य वहीं से निकलते हैं, निकलने के समय सवेरे फिर वो अर्घ देती हैं, रात भर वहाँ पे वो जागरण करते हैं, उसमें भजन कीर्तन होता है। मैं यहाँ के सिटीजन्स के, मैं भी एक नागरिक हूँ, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भगवान का पर्व है और उत्तर भारतीय और बिहार भाइयों से जुड़ा हुआ, उनके दिल से जुड़ा हुआ पर्व है। यदि माना जाए तो सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा है और कहीं गलतियां हमारे से भी हो सकती हैं। हम लोगों ने इस पर्व को अच्छी तरह से मनाने का भरसक प्रयास कोशिश किया है, क्योंकि जुहू बीच की जो लंबाई है कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की लंबाई है और कोई ग्राउंड जैसा नहीं है कि लाखों लोग एक जगह जमा हों और कहीं एक जगह हम पंडाल बनाएं और लोग उसका आनंद ले सकें या रात भर भजन कीर्तन कर सकें, क्योंकि ये बीच की लंबाई है, समुद्र का किनारा है, तो जगह जगह पे हम संस्था के लोग 5-6 यहाँ पर शुरुआत यहीं से होती है, संजय निरुपम जी के यहाँ होता है, सुभाष जी का होता है, वहाँ से अगर शुरुआत करें तो मोहन मिश्रा जी का होता है, फिर अभिराम जी उसका आयोजन करते हैं, उसके बाद अशोक भाव जादव एक मराठी भाषी हैं उनकी तरफ से होता है, फिर उसके बाद में संजय जी का है, सुभाष जी का है, यानी इस तरह से 5-6 मंडप लगते हैं और भीड़ के वो इंतहा होती है, लाखों लोग आते हैं, उसमें श्रद्धालुगण भी होते हैं, उसमें मनोरंजन के कार्यक्रम देखने वाले लोग भी होते हैं, यानी भीड़ बढ़ी है। अश्विनी जी, कोर्ट जिस तरह से कोर्ट को इसमें पहल करके लोगों को भेजना पड़ा, तो उससे आप कितना भी संतुष्ट हो पाए हैं, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट जाएगी। दूसरी चीज, कितना पिटिशनर्स वगैरह को आप लोग समझा पाएंगे, क्योंकि भले ये पिटिशनर है, नागरिक है यहाँ के, विरोध इनका भी नहीं है छठ पूजा से, लेकिन वो जो साउंड वगैरह को लेकर ज्यादा, शायद उसी को लेकर ज्यादा हुआ है। आज आप हर फेस्टिवल को देखिए, हर फेस्टिवल के अंदर मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो हमारी ये छठ पूजा है जो उत्तर भारतीयों और बिहार भाइयों के दिलों से जुड़ी हुई चीज है, वो सिर्फ हम एक दिन के लिए, जैसे 10 बजे तक लोगों को परमिशन दिया जाता है, हमको भी एक नॉर्मल तौर पे परमिशन दिया जाए ताकि हम उस चीज को अच्छी तरह से कर सकें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि 7 से 8 लाख लोग आते हैं, उनके पानी की व्यवस्था, उनके टॉयलेट की व्यवस्था, और रही बात हम एनजीओ, उसी में मिश्रा जी कह रहे थे कि अगर सब सरकारी तंत्र करने लगे तो हमें जरूरत ही क्या है, नहीं तो वो हम लोग मुहैया कराते हैं, और तो जो है उनको कपड़ा बदली करने के लिए हम जगह जगह पे पंडाल बनाते हैं। ये चीजें आप अश्विनी जी के पास आते हैं तब तक हम आपसे बात करते हैं कि ये चीजें जो कह रहे हैं सुभाष जी, ये भी बहुत जरूरी चीजें हैं, तो संस्थाओं का जो इसका आयोजन करते हैं उनको भी तो लगता होगा कि ये चीजें, जो जितने लोग, लाखों लोग आए, उनके लिए एक मंडप बने, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, अगर सरकारी तंत्र नहीं करते तभी तो ये लोग करते हैं। हमको बहुत खुशी होगा ये लोग एक करता है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करता है, जो कुछ करने का वो नहीं करता है, कपड़ा चेंज करने के लिए हमारा फुल सपोर्ट है, इसको कभी कितना मांगता है उतना बोल दीजिए, लेकिन कपड़ा चेंज करने के बाद में करके उसके विश्वास का दूसरा कोई काम करेगा, और पंडल बोलेगा 10x10 का अशोक का ये इसका रूल है, उसको दूसरा को चेंज करेगा, ये रूल नहीं चाहिए, जो कुछ आपको श्रद्धा का शबा ने का आइडिया में करेगा तो हम उसका 100% आते हैं, क्योंकि ये अपना पर्सनल, अपना इंडिविजुअल राइट है, क्योंकि अपना तो प्रेयर सबका राइट है, लेकिन आप लोग क्या करता है इसमें, एक साइड गोविंदा का डांस चलता है, दूसरा साइड हजारों औरत लोग पानी में डूबते, ये सब नहीं करने का, ये सब श्रद्धा का बात नहीं है, एकदम आपको नाटक करता है, डांस करता है, दुनिया का सब करता है, ये सब श्रद्धा है कि आप बोल दीजिए हमको, ये सब श्रद्धा नहीं है, ये सब आप लोग नाटक कर रहे हैं, ये नाटक बंद कर दीजिए। श्रद्धा का वो दूसरा, वो क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा अपनी जगह पर है, जो ये लोग आते हैं ये उनकी सुविधाओं के लिए मंडप बनाते हैं, जैसा मोहन जी भी कह रहे हैं, ये आप जो कुछ करने का आपको कोर्ट के लिए हमारा हम आपका साथ है, हम आपका 100% साथ है, आपको मैं तो पाशी साहब को बोला
100% मैं साथ हूँ, हमारा सब सोसाइटी सब लोग हमारा आपका साथ है, आपको जो कुछ मांगता है आप बोल दीजिए वो करेगा, लेकिन जी हमारा नाटक नहीं मांगता। जी लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि श्रद्धा के हिसाब से हमने यहाँ पे भजन के अलावा हमारे मंच पे कुछ नहीं हुआ, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है। माता का मंदिर बना था, लाखों लोग प्रसाद लिए, पानी की सारी व्यवस्था हमने की थी, कपड़ा चेंज करने का हमने किया था। आपकी बात आप जो कह रहे हैं कि एक बाजू गोविंदा का डांस चलता है एक बाजू पूजा होती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और पूजा पाठ में हम लोग लेके जाएंगे। बहुत अच्छी बात। डिस्कशन में एक चीज तो हुई है कि श्रद्धा महत्व रखती है, बाकी चीजें गौण हैं। उनमें श्रद्धा के मामले में विश्वनाथ जी सारा समर्थन देने को तैयार हैं, और जो शोर शराबा अर्ध के वक्त में होता है उन वक्तों को सोचने का वक्त मांग रहे हैं सुभाष जी, कि उस पर भी काम हो रहा है। इससे पहले कि हम अश्विनी जी के पास आए, हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो लोकल प्रतिनिधि हैं, एक मराठी भाषी अशोक भाव जाधव जो एमएलए भी है, वो यहाँ के चूंकि एमएलए हैं और आयोजक भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद फिर लौटते हैं अश्विनी जी से बात करते हैं इसके कानूनी पहलुओं पर। कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर अभी जारी है। हमने तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही किया था, क्योंकि हम तो इसको कोई प्रोग्राम के हिसाब से एंटरटेनमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, इसको धर्म के हिसाब से ही कर रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा का जो महत्व है वो सूर्य भगवान का महत्व है। और पुरातन से आप देखा होगा आर्य संस्कृति में भी अगर सबसे ज्यादा महत्व दिया है तो सूर्य को दिया हुआ, तो वो हिसाब से हम वो कर रहे हैं कि छठ पूजा में जो सिस्टम है कि शाम को जब वो सूरज डूबता है तो उस वक्त उसकी पूजा करके नहाना है, और सुबह वापस सूर्य उगने तक उसकी प्रतीक्षा करनी है, पूजा पाठ करना है और उनका दर्शन लेके फिर घर जाना है। तो ये जो सिस्टम है ये भले बिहार में है लेकिन आज मुंबई जैसे शहर में मेरे कई भाई ऐसे हैं कि जिनका मुझसे एक घनिष्ठ संबंध है। मैं महाराष्ट्र का हूँ, महाराष्ट्र में होने के बाद यहाँ का लोकल एमएलए भी हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो मेरे जिनके साथ मेरे लगाव है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, भले फिर वो बिहार के हो यूपी के हो, जो भगवान की पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उनको मदद करना, उनके साथ में जुड़ना, ये काम करके मैं कई सालों से भी छठ पूजा की पूजा करता हूँ और उनको साथ में लेके चलता हूँ। बात अगर छठ पूजा की जाए और उस दिन होने वाले कार्यक्रमों की जाए जो पूरी रात चलता है, दोपहर से शुरू हो जाता है भक्तों का आना, महिलाएं आती हैं, सूप गन्ना और इस तरह की जो अर्घ दिया जाता है डूबते सूर्य के वक्त में, परिवार की महिलाएं देती हैं, उपवास रखा जाता है, पूरे रात के उपवास के बाद सुबह कार्यक्रम समाप्त होता है, भंडारा लगता है, उसमें मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। मनोरंजन कार्यक्रम के प्रति मोहन जी जो सबसे पुराने आयोजक हैं उनको भी कोई आपत्ति नजर नहीं आती है, उसका भी ख्याल किया जाना चाहिए। अगर यहाँ के निवासी इस बात पर एतराज जताते हैं शोर शराबे के प्रति, तो आयोजक भी उस पर थोड़ा सा ढील रख सकते हैं, उनसे संवाद कायम करके उसमें थोड़ा सा सहनशीलता से काम ले सकते हैं। ये एक प्रस्ताव भी सामने आया है, और जो पिटिशनर्स हैं जो इस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं वो अपनी तरफ से श्रद्धा के मामले में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। डिस्कशन का अर्थ ये है कि कोई नतीजा निकले, मामला कोर्ट तक गया है, कोर्ट के आदेश के बाद अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई निर्देश आता है तो एक पर्व जो बड़े ही बृहद रूप से बनाया जाता है, जो पिटिशनर है शायद उन्हें भी अफसोस हो कि इतने तरीके से ना हुआ हो पाया, एक अच्छा पर्व कहीं ना कहीं दब गया, लेकिन शोर शराबे वाली बात पर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अश्विनी जी माफ कीजिएगा अंजनी जी, ये सारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, बहुत ही बारीकी से इस पर, ऐसा नहीं है कि विश्वनाथ जी किसी दूसरे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी भारतीय हैं, जो चीजें हैं कानून के पालन की बात कर रहे हैं, कानून के पालन की जिम्मेदारी बनती है आयोजकों की, उसमें थोड़ा सा श्रद्धा का पुट डाल देने से सब कुछ सही हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन श्रद्धा भी कायम रहे और बात भी रह जाए और कार्यक्रम बड़े खूबसूरती से चाहे, क्योंकि छठ बहुत बृहद रूप ले चुका है, पर्यटक देखने के लिए आते हैं, लोग देखने आते हैं, सिर्फ बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, बहुत सारे लोग अब आने लगे हैं, तो कोई इस तरह का रास्ता तलाशना हो बहसियत वकील, बहसियत नागरिक, बहसियत आपको क्या लगता है? देखिए, एक सबसे अच्छी बात अभी यहाँ पे जो निकल के आई है अभी के डिस्कशन में, यही चीज माननीय न्यायालय भी चाहते हैं, यही चीज ऑनरेबल हाईकोर्ट भी चाहते हैं,
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा है कि आप लोग एक सोल्यूशन निकालिए, सारे सिटीजंस ऑर्गेनाइजर्स जो भी वट एवर पीपल हु आर लिटरली हु आर ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम दे हैव टू सिट टुगेदर, दीज पिटिशनर्स हैव टू सिट टुगेदर, सबको साथ में बैठना है, बैठ के एक कंसेंसस फॉर्म कीजिए, फॉर्म करके आप लोग एक कंक्लूजन पे आइए कि कैसे ये पूजा सहूलियत अच्छे तरीके से सावधानी से हो सके। और ये मैंने, मुझे इस बात की खुशी है कि ये प्रोग्राम में एक चीज निकल के आया है, कम से कम पासी जी, मैं यहाँ विटनेस हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग संजय निरूपम, माड़ा जी हैं, सारे लोग मिलके एक चीज पे तो बॉटम लाइन एक चीज फिक्स कर चुके हैं कि पूजा तो किसी न किसी तरह से अच्छे से होनी ही चाहिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइज कि पूजा जो होनी चाहिए उसमें माइक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, मंच का निर्धारण होना चाहिए, कितना एरिया का मंच होना चाहिए, कैसा इनक्लोजर होना चाहिए, यही तीन चार इशू कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सॉरी, उसमें सबसे बड़ा इशू जो हम लोग के लिए उठाना है, आवश्यक है, जो कि मैंने माननीय न्यायालय के सामने भी संजय निरूपम जी को रिप्रेजेंट करते हुए कहा था कि हम लोग को पूरे हिंदुस्तान में ये नियम है कि पूरे इंडियन टेरिटरी में अप टू 10 o'clock यू कैन ब्लो द लाउड स्पीकर, यू कैन यूज द लाउड स्पीकर, इवन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी एंड इवन इन मुंबई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गणपति विसर्जन एक्सेट्रा पीपल आर ब्लोइंग द लाउड स्पीकर अप टू 10 p.m. तो ये सारी चीजें जो बजाई जाती हैं 10 बजे तक, हमारा एक वही निवेदन है जो कि इस कंटेंप्ट से रिलेटेड नहीं है, वो हमने ऑलरेडी न्यायालय जी को बता दिया है, और हम एक ऐसा पिटीशन भी डालने वाले हैं कि जो कि 10 बजे तक का हमको परमिशन दे कम से कम लाउड स्पीकर या भजन संध्या करने के लिए, क्योंकि हमको भजन संध्या का ऑर्डर मिला था, लेकिन भजन संध्या का ऑर्डर जो हमको 25 जुलाई 2006 को मिला था वो इस परिप्रेक्ष्य में मिला था कि 19 अक्टूबर 2006 का जो ऑर्डर था, जो ऑर्डर बेसिकली जस्टिस लोढ़ा ने, ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा ने पास किया था, उस ऑर्डर के आधार पर हमें 25 अक्टूबर को जो ऑर्डर मिला था उसमें भजन संध्या करने का ऑर्डर मिला था। लेकिन उसमें एक बात लैग कर रही थी, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था विद्यमान कि आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं। मेरी समझ से इट वॉज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड द मैटर इज सब जुडिस, सो वी शुड नॉट कमेंट अपॉन दैट। बिल्कुल, न्यायालय के पूरे आदर के साथ में उसमें जो चीजें अभी न्यायालय में है वो वहीं से निकल कर आए तो ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए उस पर कमेंट न करने के बजाय मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग 10 बजे तक का पिटीशन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी एज फार एज द इनक्लोजर्स आर कंसर्न, एज फार एज द स्टेजेस आर कंसर्न, एज फार एज द कंसेंसस आर कंसर्न, पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लॉयर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ पर्सन, आई एम लिटरली वेरी हैप्पी दैट सम कंसेंसस हैज बीन फॉर्मड हियर। जिस पर हम लोग बाइक पर बात कर रहे थे कि साउंड की बात पर, उस पर हम आते हैं क्योंकि साउंड पर भी आपको कुछ सजेशंस थे कि साउंड कहाँ होना। हमारा एक ही आदेश है, अपना कोर्ट का आदेश का रिक्वेस्ट है, विद इन द फोर, इसके ऐसे लिखा है, विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड ऑफ द लॉ, इफ द लॉ टुमारो स्पेसिफाइज दे वॉन्ट दिस सम दिस थिंग वी हैव नो ऑब्जेक्शन, बट इट हैज टू बी विद इन द कोर्ट ऑर्डर, दैट इज एग्जैक्टली वी आर सेइंग, व्हाट वी वांट टू डू इज दैट दे शुड फॉलो द कोर्ट ऑर्डर, नो डिसरिस्पेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर और टू द सिटीजन, आई रिप्रेजेंट ऑल द सिटीजन। एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू माड़ा जी एंड डेफिनेटली द सुपीरियर मोस्ट ड्यू रेस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट, हम लोग जो भी कुछ करेंगे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ, Nobody is in a position to take the law in the hand because everybody is law-abiding citizen. बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कानून के दायरे में ही सारी बातें होंगी, और इस बार बहुत कांटों के ताज पर इन्हें चलना है, कांटों के रास्ते पर इन्हें चलना है, और बहुत कोर्ट की अवमानना न होने पाए इसका ख्याल आयोजकों को रखना है, और इनकी श्रद्धा में, इनके अगर इनके कार्यक्रम के जो श्रद्धा भाव है उसमें कहीं अड़चन नहीं आने देने का जो आश्वासन दे चुके हैं, उसमें सहयोग की भी बात कही है विश्वनाथ जी ने, वो भी मायने रखती है, और कुल मिलाकर स्थितियां ये बन सकती हैं कि बहुत अच्छे से आयोजन हो सकता है, सिर्फ संवाद अदायगी की बात है, सभी के बीच में आपस में संवाद हो और मध्यस्थता करने के बाद जहां तक शुरुआत हम कर चुके हैं, कानून के दायरे में, कानून के दायरे को सभी लोग मान रहे हैं, उसे सम्मान देते हुए हम चलते चलते बात करेंगे सारे आयोजकों से और पिटिशनर्स वगैरह से, चलते चलते सुभाष जी, क्योंकि अभी 16 नवम्बर दूर है, लेकिन फिर भी देखिए हम कानून के दायरे में रह करके जो कानून व्यवस्था बनाएगी, जो आदेश देगी, उसका हम लोग भरसक पूरा पालन करेंगे, और मैं पिटिशनर से ये मैं कहूँगा कि ये हम संस्था के लोग, ये हम उनको वचन देते हैं कि ऐसा कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बीच पे होगी ताकि पर्यटकों को उसकी तकलीफ हो सके। एक वकील होने की हैसियत से मैं इतना कहूँगा कि कोर्ट की अथॉरिटी और कानून का जो अथॉरिटी है, कानून की अथॉरिटी, वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, उसी में पूरे देश का कल्याण है, उसी में हम सबकी भलाई है। इनकी आस्था के भी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए
I am very glad, I am very, very glad that they are willing to maintain the four corners of the court order. If they maintain the court order, we are with them on 100%. We will support them all along. Thank you so much for this. Thank you so much. जी मोहन जी, बस चलते चलते 14 साल से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आपको खुशी होगी कि एक भी कंप्लेन हमारे हमारे अगेंस्ट में पुलिस चौकी को कभी मिला नहीं 14 बरस में. 14 बरस में कम से कम 1 करोड़ लोगों को हमने अटेंड किया होगा यहाँ, लेकिन एक भी कंप्लेन हमारे पास में नहीं है. इसलिए मैं सहयोग आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं. आपके सारे आयोजक चाहते होंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह का कंप्लेन ना हो, लेकिन थोड़ी सी बात है उसमें थोड़ी सी नरमी सभी को लानी होगी, तभी इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा. जिसे इस कार्यक्रम में अपने शहर में शामिल सभी लोगों ने एक दूसरे को सहयोग देने का आश्वासन दिया है. उम्मीद करते हैं कि छठ पूजा आते आते भी इनमें संवाद अदायगी होगी और कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से छठ मैया की पूजा अपने अंजाम तक पहुँचेगी. फिलहाल हम आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम से संबंधित या कोई भी सुझाव, कोई भी समस्या आपके पास हो, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. आप हमारा मेल आईडी नोट कर लें, अपना शहर एट सहारा समय डॉट कॉम पर आप हमें अपने सुझाव, समस्याएं या जो भी आपके मन में है वो भेज सकते हैं. फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का. सलमान को, अपना शहर की पूरी टीम को और छठ पूजा के आयोजकों को पिटिशन के साथ दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सारा समय मुंबई. सारा प्रणाम.